मेघना यादव, कमाल का पॉडकास्ट है ये, और उससे भी ज्यादा कमाल की ये शख्स। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ज्यादा डीप बातें करी, बहुत ज्यादा फन पॉडकास्ट है, बहुत ज्यादा कुछ इंसाइटफुल चीजें पता लगेंगी आपको कि कैसे हर्ष बेनीवाल टीम काम करती है, हायर करती है, कैसे ये लोग सेट पे मस्ती करते हैं, कैसे सारी चीजें मेघना यादव की लाइफ में हुई, कैसे वो एक नॉर्मल नॉर्मल एक्ट्रेस से कैसे हर्ष बेनीवाल की टीम में आके एक लीड एक्ट्रेस बनी। काफी ज्यादा स्ट्रगल, काफी ज्यादा हार्डवर्क और काफी ज्यादा फन। तो इस पॉडकास्ट में मैं ज्यादा लंबा इंट्रो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड है इसके लिए, और ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, फर्स्ट इंटरनेट पे काइंड ऑफ इंटरव्यू या कुछ भी कह सकते हैं जिसमें मेघना यादव फर्स्ट टाइम फीचर हो रही है। तो हम लोग ग्लैड है, एडॉन टॉक्स ग्लैड है कि हम मेघना यादव को आपके सामने ला रहे हैं रॉ एंड रियल एकदम। उनका हर वीडियो में वो एक्ट कर रही है, हर वीडियो में वो लीड में है, हीरोइन है, वो कुछ ना कुछ बन के दिखा रही है। बट इस पॉडकास्ट में पूरे 1-1.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन में मेघना यादव आपके सामने एज मेघना यादव है, नॉट जेसिका। जब हम इनके घर गए, इट वॉज काइंड ऑफ अ फैन मूवमेंट फॉर मी। सामने मेघना यादव आ रही है, मैं रेडियो, इनफैक्ट मैं इससे पहले इतने पॉडकास्ट कर चुका था बट मैं नर्वस हो गया कि शिट, बिकॉज कैसे बोल सकते हैं, योर ऑनलाइन क्रश काइंड ऑफ। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सो इसी के साथ मेघना यादव के थोड़े से सीक्रेट्स जानते हैं, थोड़े से हर्ष बेनीवाल टीम के सीक्रेट जानते हैं और स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। एंजॉय सेल्फ। हे मेघना यादव, हाय, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। और जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एक बार आप भी दे दो जिससे हमको और ऑडियंस को सबको पता लग जाए कि मेघना यादव क्या है। एग्जैक्टली, अच्छे से मेघना यादव क्या है? देखिए थोड़ा लंबा हो जाएगा बट लेट मी लाइक शॉर्ट में निपटा। नहीं, लंबा हो जाए चलेगा। लाइक क्या है एग्जैक्टली? पूरा कहाँ से शुरू किया, क्या है, क्या व्हाट व्हाट यू आस्किंग? चलो, आई एम मेघना यादव एंड आई एम एन एक्टर। अभी लाइक परस्यू कर रही हूँ ये ड्रीम एंड अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हर्ष बेनीवाल आई गेस हम सभी को पता है कौन है, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ एंड मुझे उनके साथ काम करते करते 2 साल हो गए एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। बहुत मज़ेदार, फन, एंड अभी तक की मेरी 2 साल की जर्नी बहुत अच्छी गई है। सो दिस इज़ हु आई एम एक्चुअली। अभी इतने शॉर्ट में आई गेस यही बता सकती हूँ। परफेक्ट। सो कहाँ से हो, बिलोंग कहाँ से करते हो सारा? ओके, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ एंड वहाँ पे मेरी मतलब बेसिकली अलीगढ़ से भी बिलोंग नहीं करती हूँ, उसके पास एक गांव है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बट पापा, ताऊ जी सब अलग अलग जगह के, अलग अलग जगह पढ़ाई करी गए। मेरे पापा एयरफोर्स में थे सो आई यूज़ टू कीप ऑन मूविंग। आई रिमेम्बर मैं तमिलनाडु में थी कुछ साल, उसके बाद तमिलनाडु कोयम्बतूर, फिर उसके बाद कानपुर शिफ्ट हुई, फिर पापा ने जॉब छोड़ दिया उसके बाद, बिकॉज फैमिली सब अलीगढ़ में सेटल हो रही थी। सो वी ऑल केम देयर एंड वहाँ से आई रिमेम्बर आई वाज इन 7th जब मैं वहाँ थी, उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करी एंड देन आई थॉट कि चलो मास कम्युनिकेशन करते हैं। आई वाज नॉट दैट ब्राइट स्टूडेंट, यू नो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मैं थी नहीं मैं, बट आई वाज ऑलवेज इनटू दिस, यू नो, डांसिंग कर लेते हैं, एक्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पता था कि यही करना है कि ओके ये कर लेते हैं। कन्फ्यूज थी पहले, सोचा कि फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, बाहर निकल जाएंगे, कुछ तो इंटरेस्टिंग करेंगे, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और मज़ा आएगा, अभी नहीं पता क्या करना है। फिर पढ़ाई में तो इतनी खास थी नहीं, फिर अलीगढ़ से नोएडा आई, वहाँ पे देर इज़ एन इंस्टीट्यूट नेम आईजोम्स, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन किया एंड एक्चुअली लाइक्ड इट। वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था, एंकरिंग का एक्सपीरियंस, डिड एंकरिंग, ऑल्सो डिड एंकरिंग, और उसके बाद रियलाइज हुआ कि नहीं यार अभी किक नहीं मिल रही है, अभी जो चाहिए वो हो नहीं रहा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक कॉल आया एंड देन ऑडिशन दिया मैंने, उसके बाद अब तब से बस चल रहा है यही सफर। ओके, आई जस्ट गॉट लकी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रिमेम्बर जब मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, मेरे बाल कटे हुए थे, बॉय कट हेयर था। उससे पहले मैंने अपना पूरे हेड को शेव करा लिया था। अच्छा, क्यों क्यों? मैंने ना लाइक आई रियली लाइक ट्राइंग थिंग्स, मैंने रिबॉन्डिंग ट्राई की एंड वो
सूट नहीं किया, आई डोंट नो क्या हुआ, बैड एक्सपीरियंस था मेरा वो. सो आई थॉट हां फोटोज अभी फोन में तो नहीं है, मतलब वो मेरे को भेजना. ओके ओके. फिर उसके बाद वो बाल एकदम डैमेज हो गए थे, तो मैंने कहा चलो ये एक्सपीरियंस भी लेके देख लेते हैं. बाल शेव करा लिए. फिर हर्ष को कोइंसिडेंटली ऐसा रोल चाहिए था, वहाँ पे मैंने लेस्बियन का कैरेक्टर प्ले किया था, एंड दे नीडेड अ गर्ल जो थोड़ा टॉम बॉयश ऐसा कुछ लुक लगे उसका. सो एक्टर तो अच्छी थी, एक्टर तो अच्छी हूँ मैं, सो कवर कर लिया. तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गई, उनके साथ काम किया. फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट ऑफ द कैमरा काम किया, बिहाइंड ऑफ द कैमरा भी बहुत काम करा. इनफैक्ट अभी भी ज़्यादातर हम लाइक मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा कम और बिहाइंड ऑफ द कैमरा ज़्यादा रहती हूँ. okay. वहीं से एक्टिंग का एक्सपीरियंस शुरू हुआ मेरा. nice. तो क्या प्लान्स थे बचपन में, जैसे हर एक बच्चा होता है ना, क्योंकि सबको एक्टर बनना होता. हाँ. बट क्या सोचा था कि पापा एयरफोर्स में थे, तो कोई ऐसी जॉब थी, या बचपन में क्या सोचा था बेसिकली कि क्या बनना बड़े होके? बड़े होके हमेशा से यही था कि कभी ना दिमाग में ऐसा नहीं आया कि डॉक्टर बन जाऊंगी, टीचर बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी. नो no. ये तो सभी बनते हैं. हाँ. कुछ और बनती हूँ ना, कुछ जिसमें मजा आए, हैपनिंग सा लगे. मतलब मेरा ना लाइफ का एक मोटो है कि लाइफ में मुझे कुछ भी लाइक ऐसे सोचा नहीं कि ये अचीव करना है, बस आई रियली लाइक कि अभी जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो इट्स ओके, लाइक गो विद द फ्लो. अभी ये एनर्जी अच्छी लग रही है, वाइब अच्छी लग रही है, सो ओके लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट. अब मुझे ना कभी ट्रैवलिंग का शौक नहीं था. अभी अचानक से ऐसा लगता है कि यहाँ भी चले जाओ, ये भी खा लूँ. इतनी फूडी भी नहीं थी, बट मेरी फ्रेंड है आकृति, उसके साथ रह रहे कि इतनी फूडी हो गई, इतना ऐसा लगा कि ये ट्रैवल कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. तो एक्टिंग भी करनी है, ट्रैवलिंग भी करनी है, ये भी करना है. जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना एक्चुअली, वो करना है. तो तब बचपन में ऐसा कुछ सोचा नहीं था. मम्मी पापा कभी पूछते थे तो फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बस टीवी पे आना है, फेमस होना है, कुछ अच्छा सा करना है. तो यही था, कभी ऐसे कुछ माइंड में सेटल नहीं था. बट अब बिल्कुल क्लियर है कि एक्टिंग करनी है, एक्टर बनना है, और उसी पाथ पे आई एम वर्किंग ऑन दैट. कैसे लेके जाना इसको? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था, ग्लोरी ग्लोरी की रोली पे चल रहा. थैंक यू सो मच. तो आगे कैसे लेके जाना इसको, क्या सोचा? जैसे कि मैंने कहा, मैं कुछ फ्यूचर का इतना कभी कुछ सोच के नहीं चलती कि फ्यूचर में ये करना है. छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं मेरे. कि अभी ना, अभी कुछ दिन से मेरा गोल है कि मुझे थोड़ा वेट लॉस करना है, तो वो अभी मुझे अचीव करना है. उसके बाद यू नो, अभी अभी चल रहा है, अच्छा चल रहा है हर्ष के साथ, इस टीम के साथ. इट्स यू नो, इट्स मोर लाइक अ फैमिली. इतना ज़्यादा मैं इन हो गई हूँ कि मैंने ना इस छोटी सी दुनिया के अलावा ना अभी बाहर कुछ सोचा ही नहीं. जो आएगा उसे ले लूँगी कि ठीक है, ओके ये अच्छा लग रहा है, ओके ग्रैस्प इट. अगर नहीं लगेगा तो ठीक है, लेट इट बी. सो अभी तो कोई प्लान्स नहीं है, कुछ नहीं है. अभी आई एम लर्निंग विद देम, एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू जितना जितना ज़्यादा हो सकेगा. या आई वुड लव टू, जब तक मज़े हो रहे हैं, अच्छी लाइफ चल रही है, हैपनिंग लाइफ चल रही है, आई एम गोना गो विद द फ्लो. नाइस. तो कैसे पहुंचे, थोड़ा इसके बारे में बताओ कि कैसे एकदम से आया ऑफर. ओके ओके, आई विल टेल यू. मैं 12th के बाद आई, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन में अच्छा चल रहा था. सो देयर वाज वन फ्रेंड, भैया कह लो, जूनियर सीनियर कह लो, सो रजत वर्मा. अभी वो अच्छे एक्टर हैं, वो मुंबई हैं. तो उनको मिली थिएटर में, नुक्कड़ नाटक कर रही थी. तो मुझे पता चला कि उनको एक सीरियल मिला है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इनसे, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है. तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला भैया प्लीज़ मुझे भी बताइए ना कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, बिकॉज आई हैव नो क्लू कि मैं कहाँ से क्या पॉइंट पकड़ूँ कि ओके अब मुझे एक्टर बनना है, यहाँ से शुरुआत करनी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेयर. आई लाइक नो क्लू, आई डोंट हैव एनी क्लू. सो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे थिएटर है, आप जाइए. तो मंडी हाउस में एक थिएटर था, वहाँ मैंने ज्वाइन किया. तो उनसे कॉन्टैक्ट थे, अच्छे थे, वो भी जानते थे कि इसको एक्टर बनना है, नंबर शेयर हो ही गए थे. तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जिम कर रही थी एंड
जिम वर्कआउट में मतलब कंप्लीट कर दिया था मैंने ऑलमोस्ट ट्रेडमिल पे थी एंड आई गॉट अ कॉल एंड ही सेड मेरे ऐसे ऐसे ऑडिशन है एंड नज़र बट्टू का ऑडिशन है यू कम एक ट्राई दे देते हैं. तो मैंने मैंने सोचा कि मैंने कभी लाइफ में ऑडिशन नहीं दिया, लेट्स सी, ये भी नया एक्सपीरियंस होगा. आई लव न्यू एक्सपीरियंसेस, नए लोगों से मिलना, ये सब चीज़ें करना, आई लव इट. तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देख के आते हैं क्या है. गई, ऑडिशन दिया, उन्हें पसंद आया. एक दो महीने कोई कॉल नहीं आई, कुछ नहीं आया. हाँ, कुछ कुछ अदा बता नहीं, मैं अपनी लाइफ में चल मज़े में थी. फिर ऑल ऑफ सडन एक कॉल आया कि यहाँ पे हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं एंड आप आना चाहोगे. मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ. तब पैसे वैसे का ही कुछ नहीं मिलते थे, बस एक्सपीरियंस मिल जाता था एंड एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत इनफ होता था. तो कुड़ी पटाका के लिए एक चैनल है, उसके लिए मैंने शूट किया था. हर्ष की वीडियो के आने से पहले ही, नई पड़ोसन के आने से पहले से पहले शूट किया था मैंने उसका. वो वीडियो बहुत बाद में आई थी दो, बट वो पहले शूट कर लिया. उसके बाद भी मेरे पास दो तीन महीने कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया. तो हर्ष को एक लड़की चाहिए थी जो थोड़ा टॉम बॉयश लगे, बिकॉज वो कैरेक्टर लेस्बियन का कैरेक्टर था तो लंबे बाल में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो मैं गई. आई रिमेम्बर मेरे पास कॉल आया कि हर्ष बेनीवाल एक वीडियो शूट कर रहे हैं कल, लाइक आज रात में कॉल आया एंड कल मॉर्निंग में शूट है. अच्छा हाँ. और अभी आप कहाँ पे हो इस टाइम पे? मैं नोएडा में. नोएडा में थी. ठीक है. तो मेरे पास नोएडा में कैसे रह रहे थे, फैमिली के साथ थे? नहीं नहीं, मैं 5 साल से मैं अपनी फ्रेंड के साथ रह रही हूँ. उसके साथ मुझे 5 साल हो गए रहते रहते फ्लैट लेके वहीं पे. हाँ, एसपीएन तो नहीं है ना? नो नो. ठीक ओके. सो उसको पूछ लो, उसको तो क्रश व्रश नहीं है मुझे, मुझे तो नहीं है. मुझे सुबह मेरा शूट था और मुझे एक दिन पहले कॉल आया. आई वॉज इन दैट एक्साइटेड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या. मुझे, मैं हर्ष को जानती थी बट मुझे नहीं पता था कि मैं कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रही हूँ. आपको नहीं कभी कभी पता ही नहीं होता कि कौन है एग्जैक्टली, मतलब पता नहीं था, नाम सुना था, पता था, देखा था, बट इतनी एक्साइटेड नहीं थी कि ओके क्या होगा. अच्छा, उस टाइम पे यूट्यूब इतना वो भी नहीं होगा, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैं यूट्यूब से शुरुआत करूँगी, यूट्यूब पे काम करूँगी, मुझे नहीं पता था. तो मैंने, मुझे पता था कि अच्छी पर्सनालिटी है, सब्सक्राइबर्स वगैरह सब देखा मैंने. मैंने कहा एक कौन है, चेक करते हैं. इंस्टाग्राम पे देखा था, ज़्यादा जानती नहीं थी उनके बारे में. तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, आकृति को, और शी वाज लाइक आर यू मैड, यू डोंट नो हिम. आई नो हिम, आई नो हिम, ऐसा नहीं है. बट मेघना, आर यू फकिंग किडिंग मी, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड. ओके, आर यू किडिंग मी मेघना, मेघना उनको हाँ बोलो, अभी बोलो, तुम बिल्कुल खुश नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो. मैंने कहा मैं खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए. यही सेम रिएक्शन तब था जब पता चला कि मेघना यादव के साथ पॉडकास्ट. सही में यही हमारा भी ऐसे था. अब सही बता. ओह माय गॉड. सो ऐसे थी कि मेघना तुम पागल हो, उनको बोलो कॉल करके अभी आओगे तुम. मैंने कहा ठीक है मैं बोलती हूँ, अभी शूट कर लो. हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ. फिर मैंने बोला ठीक है मैं कल आती हूँ शूट पे. फिर मेरे को कॉल करके मेरे से मिलने आई, फिर बोलती है मेघना वहाँ जाना है मेरे से वीडियो कॉल करानी है. मैंने कहा ठीक है ओके. मेघना नहीं भूलना नहीं है, वहाँ जाना है मेरे से वीडियो कॉल करानी है. मैंने कहा ओके आकृति मैं करवा लूँगी. मैं वहाँ गई, मैंने वीडियो कॉल करवाई एंड आज वो मेरे साथ है और हम तब से काम कर रहे हैं साथ में. एंड आई एम लकी कि आई गॉट अ फ्रेंड लाइक हर एंड लाइक उसके बिना ना बहुत इनकम्प्लीट सा है सब कुछ, है बट थोड़ा इनकम्प्लीट है. सो उसके बाद मैं वहाँ पे गई, अगले दिन शूट करा मैंने. मैं सबसे मिली, मोहित से मिली, हर्ष से मिली एंड क्या 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 एक्सपीरियंस था. ठीक है, मैं आई रिमेम्बर मैं सुबह ही सुबह, उन्होंने सुबह शुरू कर दिया था अराउंड 6 बजे, गर्मियों का वक्त था. मैं गई वहाँ पे बैठी और तब सिर्फ मोहित बैठे थे मेरे सामने, मेरी हिम्मत ही नहीं है उनसे कुछ बोलने की. मैं बस हाय बोल के बैठ गई. फिर अचानक से हर्ष अंदर आए, ही वाज सो हम्बल. उन्होंने खुद से आगे मुझे से बोला ओ हाय एंड आई वाज लाइक
हाय हाय कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर चले गए शूट करने लगे, मोहित भी हर्ष भी, फिर थोड़ा धीरे 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 कंफर्टेबल हुए, फिर मैंने बोला कि हर्ष एक फोटो, मुझे ना फोटो लेने में भी ऐसा लग रहा था मैं क्या बोलूँ उनको, कैसे किन शब्दों में बोलूँ कि प्लीज मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए। आई स्टिल, मेरे पास फोटो है, आई स्टिल हैव दैट फोटो, दोनों के साथ फोटो है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना ये सारी फोटोज। आई वुड लव टू ये पहली पिक्चर थी हर्ष के साथ, नाइस, ये मोहित के साथ। तो ये कौन सी वाली वीडियो थी? ये नहीं पढ़ो सर, नहीं पढ़ो, थोड़ा सा बताना मेरे को याद आ जाएगी। उसमें एक ऑटो से आए थे शायद वो भी, हां 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 दैट वन, दैट वन, हाँ 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 याद आ गया, ऑर्डर से निकली थी, हाँ हाँ ऑर्डर से निकली थी, वो लड़की याद है जो एंड में निकली थी, वही है वो लड़की, उनको तो मैंने देखा है, देखा है, मैंने सबको देखा है, मैं ब्लॉग्स भी देखता हूँ, ओके ओके, सो नाइस। या फिर वहाँ से वो मेरी पहली वीडियो थी हर्ष के साथ, एंड उसके बाद कोई ऐसे काम नहीं आया बहुत टाइम तक, फिर हम ना बहुत फेडअप थे अपने अपने काम से। आई वॉज वर्किंग इन लाइक टी सीरीज में काम कर रही थी, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है टी सीरीज का, वहाँ पे लाइक इनरोल कर दी थी मैं बच्चों को, आई डोंट नो व्हाई आई वॉज डूइंग इट, और ये डिजिटल मार्केटिंग कर रही थी मेरी फ्रेंड, तो हम दोनों ने प्लान किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट वॉट वी आर मेंट फॉर, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हाँ, फिर हम नज़रबट्टू गए, हमने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने, तो बिहाइंड द कैमरा काफ़ी काम करा। अच्छा, बहुत काम क्या करते थे, मतलब बिहाइंड द कैमरा कैसे? बिहाइंड द कैमरा कास्टिंग हो जाती थी बहुत सारे सेट पे ना, जो भी कुछ ऐसे लाइक कोई ऐसे पर्टिकुलर काम नहीं था कि ये पर्टिकुलर काम के लिए आप अपॉइंटेड हो, तब ना सीख रहे थे। मुझे पता था मुझे एक्टर बनना है, उसको पता था उसको डायरेक्टर बनना है, उसको डायरेक्ट करनी है वीडियोस, मुझे पता था मुझे एक्ट करना है, हमेशा से पता था हमें, तो हम बस सीख रहे थे कि जो अभी मिल रहा है लेट्स टेक इट, अभी जो नॉलेज आ रही है आने दो, तो ताकि कैमरे से कभी डर ना लगे, कभी कैमरा के सामने बोलने से कभी हिचकिचाए नहीं। सो पहले था थोड़ा सा कैमरा शायद ना, आई वाज अ ब्लेस्ड चाइल्ड, मेरे पापा ने मुझे लिटरली हर फंक्शन में हर किसी में मुझे माइक थमा देते थे, गो फॉर इट, यू कैन डू इट, क्या करते थे? कुछ नहीं, गाना गा के आ जाओ, डांस करके आ जाओ, आई यूज टू लव डांस, लाइक आई लव डांस, अभी भी मैं मतलब डांस तो ऐसी चीज है कि अभी गाना बज रहा है अभी कर दूंगी, तो वो हमेशा बचपन से था, कभी शर्म नहीं थी इस चीज में कि गाना बजाइए, ना भी नहीं सो तो पोएट्री गाना, हमारे पापा ना एयरफोर्स में थे, तो हर सैटरडे संडे ना प्रोग्राम्स वो करते हैं, तो लाइक बड़ा खाना और ये सब होते थे उनके प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे और बच्चों को पार्टिसिपेट करने बोलते थे कि गाना गाओ, डांस करो, कुछ भी पोइट्री गा दो, ये कर दो, तो हमेशा से आई वाज द वन जो ओके आई विल डू इट, ओके आई विल डू इट, एंकरिंग कर दो, ओके आई विल डू इट, तो कभी ना पब्लिक से इतना डर था, ना स्टेज फियर था, ना कैमरा से कभी कोई डर था। पापा यूज़ टू रिकॉर्ड मी, पापा के पास इतना बड़ा लाइक कैसेट्स एंड उनको इतना शौक है गानों का एंड स्टफ, वो मेरी वॉइस रिकॉर्ड करते थे, सुनते थे, तो कभी इन सारी चीज़ों से कभी डर ही नहीं लगा, मज़ा आता था। हाँ, वो प्रैक्टिस ही हो गई, हाँ, तो कभी ऐसा नहीं लगा। तो फिर सेकंड कॉल कैसे आया, मतलब कि लॉन्ग टाइम बाद? फिर उसके बाद नज़रबट्टू में काम करते करते ना हमें चांसेस मिलते रहते थे कि मेरे को कुछ भी छोटा मोटा रोल होगा तो मैं कर लेती थी, मुझे बोलते थे आप ये आप अच्छे लगोगे आप कर लेना, तब मैं इम्प्रूव ही कर रही थी, ब्रेसेस लगे थे एंड शॉर्ट हेयर, सो कभी कुछ उस टाइप का कोई रोल है ना, आप टाइप कास्ट हो जाते हो जब कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ हो, जैसे ब्रेसेस लगे थे, अभी कोई कुछ ऐसी लड़की का वो सुंदर सी जिसे ऐसे ऐसे अदाए दिखाने, यू वोंट सूट इट, लाइक आप पे सूट ही नहीं करेगा वो, सो यू कांट गो फॉर दैट, सो वही था टाइप कास्ट के अभी तो कर रही है, तो मैंने भी वो थोड़ा वो मेरा फेस ऐसा था कि ओके अभी इम्प्रूव करना है, अभी ग्रूम करना है, अभी ये करना है वो करना है, सो वो धीरे धीरे जो भी छोटे मोटे चांसेस मिलते थे मैं करती थी। अब देखोगे पहले के वीडियोज में ब्रेसेस लगे हैं, यू विल सी वो स्कूल वाली, हाँ स्कूल वाली, हाँ उसमें भी लगे हैं स्कूल पिकनिक। फिर उसके बाद आई रिमेम्बर
यू नो हम हमेशा ना जब एक चीज़ हो जाती है कि ओके ये हो गया, काफ़ी सीख लिया, नाउ इट्स टाइम टू स्टेप इनटू अनदर थिंग. तो हमने वहाँ नज़र बट्टू से काम हमारा, अगर वी वो लाइक कि मैं और आकृति हम ऐसे थे कि हो गया इनफ, सीख लिया, अब कुछ नया ट्राई करते हैं. तो कोइंसिडेंटली हर्ष का हमारे पास कॉल आया, 6 महीने पे आई गेस, 6 महीने के ब्रेक पे थे हम, लाइक 4 to 6 month के ब्रेक पे थे हम. एंड उसके बाद मैं भी घर थी, ये भी घर थी, फिर हमें कॉल आया और फिर वहीं से दिल्ली में, हम नोएडा थे, दिल्ली में कॉल आया, यहाँ पे शूट करने आए. शादी की वीडियो थी एक, नाम भूल गई मैं, क्या था, इंडियन एंड वेडिंग्स वो वीडियो हमने करी थी. वहाँ से कभी कुछ इन हाउस का कुछ ऐसे नहीं था, हर्ष ने बोला था हम प्लान आउट करते हैं कुछ, हम अभी मैं प्लान आउट कर रहा हूँ, लेट्स सी. तो तब भी हमने सोचा था चलो ठीक है देखते हैं. फिर उस टाइम पे उनकी टीम मतलब वो कैसे काम कर रहे थे वो लोग, दे वर वर्किंग विद नज़र बट्टू. एंड उसके बाद उनका भी था कि ओके अभी हो गया, काफ़ी टाइम उनके साथ काम कर लिया, अब एक स्टेप आगे अपना प्रोडक्शन हाउस. ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज यू नो टेकिंग अप अनदर स्टेप, इट्स ऑलवेज, लाइफ इज ऑल अबाउट कि अब ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये करना है. हाँ, सो हो गया था, इनफ हो गया था. तो करा शुरुआत, करी टीम बनाने शुरुआत की. तो उन्हें हम हार्ड वर्किंग लगे, वी वर लाइक ब्लेस्ड, काम भी कर लेंगे, अच्छे हैं, सीख रहे हैं. तो अच्छी वाइब मैच करी उनके साथ काम करने में, हमेशा से मज़ा आता था. ऑफकोर्स इतने बड़े फ़ैन थे हम दोनों ही उनके, तो मज़ा आया उनके साथ. तो वहीं से इन हाउस हो गए, फिर नोएडा से दिल्ली शिफ्ट हो गए. एंड नोएडा से दिल्ली शिफ्ट होने के बाद तो फिर पता ही नहीं चला, लिटरली पता नहीं चला मुझे कि मेरे 2 साल कब कहाँ कैसे निकल गए, बिल्कुल पता नहीं चला. उनके साथ काम करते करते हो गया हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 years. एक अगर देखा जाए मिले हुए 3 साल हो गए हमें, और काम करते करते 2 साल हो गए. अच्छा, हाँ, पहली वीडियो 2 साल पहले गई थी, पहली वीडियो 3 साल पहले गई थी, नई मतलब वो साल तक का गैप था. वी डिड इट टुगेदर एंड अराउंड 3 years बैक वी डिड इट. ओके, तो क्या प्रोसेस रहता है एक्टर का, स्पेशली अगर एक्टर की कैमरे के आगे जब तुम खड़े होते हो तब लाइट्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं. ओके, तो क्या होता है कि कैसे वो, क्योंकि मैंने देखा है जो रोल किए हैं वो अब जो एक्सट्रीम लेवल वाले रोल चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल है करना. और मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी वीडियो अजवेनीवाल वाली अपनी मम्मा के साथ बैठ के देखी हैं. अच्छा, क्योंकि मेरे को होता था मुझे देखो ही देखो, और जैसे ही वहाँ पर गाली आती थी मैं देखो आप देखो. तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बैठ के देखी हैं, और सबको, जो मम्मी को भी पता चला कि आपके साथ है तो चाय लेते आना, तो मैंने उनको बताया और चाय मंगवा रही है, थर्मस में भेज दूँ. ओह हाउ स्वीट. तो अब वो आने वाली थी, मैं भी ले चल, मेरे को भी ले चल, मैं भी देखूंगी आने का, नहीं मैं नर्वस हो जाऊँगा. आपको बुला ले आना चाहिए था फिर कभी. सो बाद में, ओके, क्योंकि फिर मैं ऑकवर्ड हो जाता और ज़्यादा. ओके, सो तो ये रिएक्शन था. तो अभी जो रोल्स चल रहे हैं वो करने बहुत मुश्किल है. okay. उसके लिए तो हैट्स ऑफ. okay. जो अभी जेसिका वाली से पहले वाली जो 2 वीडियोज हैं एक्सट्रीम क्या ये आपको पता है. सो क्या प्रोसेस है वो उस लेवल तक कंफर्टेबल होना कैमरे के साथ. okay. जहाँ पे बहुत सारे लोग हों. okay. okay. क्या प्रोसेस है, क्योंकि ये मेरे को भी हेल्प करेगा अभी. okay. yeah. मैं ये एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी. okay. So when we do it for the first time, ये वीडियो थी मेरी पहली जो लाइक जिसमें मैंने लीड प्ले किया था. उससे पहले मैंने प्ले किया था छन्नू स्कूल पिकनिक में. एंड वो कैरेक्टर मेरे लिए एकदम था ऐसे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो मैं हूँ. Relatable. मैं हूँ ऐसी, दिस इज मी, दिस इज एक्चुअली हाउ आई विल रिएक्ट. एंड मेरा ऐसे क्रश होगा तो आई विल रिएक्ट लाइक दिस, ओह हाय मसी, यू मसी बेबी. सो वो हूँ मैं. तो वो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, वो मेरे लिए बहुत फन था. वो मेरे लिए ऐसे था मैं अपनी, मेरी कैजुअल लाइफ है, मेरी कैजुअल जिंदगी है, मैं जी रही हूँ. तो वो अच्छा था. बट ये वाला मेरे दिमाग में इतना प्रेशर था व्हाइल आई वाज डूइंग दिस कैरेक्टर. मम्मा क्या सोच रही है, पापा क्या सोच रहे हैं, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, शिट मुझे करना चाहिए, मैं
क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो भी पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। ये फर्स्ट वाला रोल था जो एक्सट्रीम वाला, मेरा फर्स्ट एक्सट्रीम वाला जोन वाला था। हां ये मेरा फर्स्ट लीड था। अच्छा हां ये मेरा फर्स्ट लीड था। अच्छा लीड को मिल गया था मेरे पास, लाइक ये फर्स्ट लीड था, मैंने कभी लीड नहीं किया था अपनी लाइफ में हर्ष की वीडियो में। फिर मम्मा को कभी पापा को कभी ऐसे आगे से बोला भी नहीं कि मुझे एक्टर बनना है, आज तक नहीं बोला कि एक्टर बनना है माँ, ये करना है। उनको अभी भी लगता है कि ठीक है अभी लाइफ जी रही है, इसकी उम्र है, करने दो, ये है करने दो, जाने दो, जो करिए करने दो, करने दो। हाँ सो शी इज ऑलवेज लाइक दैट एंड माय फादर इज आल्सो लाइक दैट। सो उनको कभी ऐसे बोला नहीं कि अब एक, जब अपनी टीम में डिस्कस किया ना, दे वर सो मोटिवेटिंग, दे वर सो लाइक ऐसे थे, मेघना यू आर एन एक्टर, यू शुड नॉट थिंक अबाउट दिस और दैट, ये एक कैरेक्टर है, उसको फील कर, उसको प्ले कर, तू नहीं है ये, दैट कैरेक्टर, वो तो एक को करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर क्या क्या करते हैं, आई एम सो सॉरी। सो वो कैरेक्टर तू देख, ये मत देख के वो क्या कर रहा है, यू शुड फील दैट कैरेक्टर। I was like, okay, they motivated me and I said, okay, Harsh, मैं ये character करूँगी। Harsh ने मुझसे पूछा, okay, comfortable? मैंने कहा, हाँ जी, करूँगी। बहुत nervous थी। पहला take लगा, I remember, छोटी सी मिनी सी skirt पहनी थी मैंने, boots पहने थे and I was like, कभी इतना uncomfortable feel नहीं किया, but camera के सामने I was like, I was shivering, यार मैं क्या करूँ, मैं सही कर पाऊँगी, यानी इतना pressure था। ऑफ कोर्स हर्ष थे सामने, इतने बढ़िया एक्टर और मैं ऐसे न्यूब एक्टर, बट आई डिड इट, उनको पसंद आया। एंड कितने टेक्स लगे? हाँ रीटेक्स कितने लगे? रीटेक्स लगे काफ़ी लगे, बट हाँ इतना भी नहीं था, अच्छा था। हर्ष इज सो गुड, वो लिटरली ना आपको, अगर आप उनके साथ एक्ट करेंगे ना, वो आपको बिठा के बोलेंगे तू कंफर्टेबल है है ना, कंफर्टेबल बता, भेजूँ किसी और को यहाँ से निकालू, और वो लिटरली बोल देंगे नहीं है भेज दूँ, तो वो भेज देंगे, डायरेक्टर रहेगा, ये रहेगा जिसका काम है वो रहेगा, बाकी सब आप बाहर जाइए। वो ख्याल रखते हैं इन सारी चीज़ों का, या वो इतने मतलब कि नहीं, अगर नहीं है मेरा एक्टर कंफर्टेबल नहीं करूँगा मैं, ठीक है तुम बाहर जाओ। तो मेरे लिए इतना ईजी कर दिया था उन्होंने कि सिर्फ वो मैं डायरेक्टर और कैमरा पर्सन थे, तो हो गया था मैनेज, इतना दिक्कत नहीं आई थी। Okay. उन्होंने आई रिमेम्बर हम गाड़ी वाला सीन कर रहे थे, तो मोहित वॉज देयर, मोहित सब क्लियर करा देते थे, इधर नहीं आएगा कोई, इधर नहीं आएगा, एक्टर्स को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, वो सब हेल्पिंग है, सब एकदम फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो गाड़ी वाला सीन यू रिमेम्बर, सो पीपल वर देयर, वो बिकॉज खुले पार्किंग में हमने किया था, सो मोहित वॉज देयर, धूप में खड़े हैं बाहर और सबको ऐसे क्लियर करा रहे हैं कि इधर नहीं आएगा, और हम एक्टर्स शूट कर रहे हैं। सो इतना अच्छा था, वो इतना इजी फील करवा दिया कि वो भीड़ वो सब बॉदर ही नहीं करा, वो सब एक्ट में कंफर्टेबल थी, आई वाज कंफर्टेबल इनफ। इस भगवत गीता में ना, मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पूरी नहीं पढ़ी, बट मैं पढ़ता रहता हूँ कि कुछ 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 भी मिल जाए, तो सेम कॉन्सेप्ट है ये कि तुम अपने आप को काम से अलग कर दो, काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो मेरे को हर पॉडकास्ट से पहले वही बात है कि मेरे होस्ट मतलब गेस्ट के साथ लड़ाई हो जाएगी। ओके हर बार होता है। okay. और स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो बहुत ज़्यादा था कि यार शिट, क्योंकि तब तो जूम पे हो रहा था, तो जूम पे आने से पहले यार मैं कुछ ऐसा ना पूछ लूँ या कुछ ऐसा ना बोल दूँ कि उसको सामने वाला ऑफेंड हो जाए, हमारी आइडियोलॉजीज नहीं मैच होंगी। तो वहीं पे वो कॉन्सेप्ट आया जब मैंने ऐसे डिस्कवर करा, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें कर्म योगा वाला है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी, तो एक कॉन्सेप्ट था कि उसमें भी यही चीज़ था कि मैं अगर वहाँ पे बैठ के अगर कुछ मैसअप भी कर रहा हूँ ना, तो मैं एज अ इंडिविजुअल खराब नहीं हुआ, एडॉन टॉक्स खराब हुआ इंडिविजुअल। जैसे कि अगर कोई वीडियो में खराब एक्टिंग हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब एक्टर हो, वो चीज़ खराब हो गई, मूव ऑन। तो वहां से एक बहुत बढ़िया चीज समझ आई कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, और बाकी जो मेन प्रोसेस है मेरे को उसको रिफाइन करना, मेरे को उसको एक्सट्रीम लेवल पे करना, उसमें अपना बेस्ट देना। तो वहां से मेरे को चीज समझ आई कि भाई तेरी कोई औकात नहीं है, जो चीजें वो तू कर रहा है, जिनको तू बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है उनकी है, तो तू उनका जो बोझ है कुछ भी मैसअप होता है वो अपने सिर पे मत डाल, क्योंकि वरुण यादव अलग है, एडॉन टॉक्स अलग है, या यॉर्कस्टर अलग है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपने भी बताया, तो मेरे को वो चीज दिमाग में घूम रही थी, क्रेजी। सो कैसे होता है जब वो फैन मूवमेंट होता है, जैसे पहला फैन मूवमेंट कब हुआ? देखो जब मैं वहाँ गई नई पड़ोसन के टाइम, फर्स्ट टाइम जब मैंने उन्हें देखा,
आई वाज लाइक ओके यार, इतनी ऊंचाइयों पे भी जाके इतना इंसान, लाइक ही इज क्वाइट फेमस, ही इज, वो जाके वो ऐसे खुद से आके हाय मिलना. सो यार वही मेरे लिए वही मोमेंट बहुत बड़ी थी. शाहरुख खान के आगे बाहर हाँ वो ऐसी था, क्या नाम था, दीपिका पादुकोण बबल जो खुल गया. हाँ सो एग्जैक्टली कौन सा था, ओम शांति, ओम शांति हो. हाँ सो वो इतना मेरे लिए था कि बहुत बहुत प्यार से ट्रीट किया. बहुत श्योर फैन हूँ मैं. अगर आपके पास कोई आया वैसे, मेरे पास कोई आए ऐसे, मतलब आपका फैन कोई, आपका मेरा फैन कोई आए, तो कोई ऐसा हुआ, ऐसा अभी कोई अब तक कोई मोमेंट हुआ कि किसी ने स्पॉट किया कि तुम एक ना इससे मिलना. हाँ लाइक काफ़ी लोग, एक तो अभी हुआ जब मैं देख के हो गया था दो मिनट के लगे वो. ओके हाँ काफ़ी बार हो जाता है, अब हो जाता है, पहले नहीं होता था, बट अब 3-4 वीडियोस के बाद होने लगा है. लाइक ऐसे रिएक्ट करते हैं ना, माय गॉड मेघना, ओ माय गॉड, तो मुझे सोचते हैं ओ गॉड ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे मत करो, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल. तो हाँ 2-3 बार ऐसे हुआ है. तो कैसा, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती होंगी, मतलब कि जहाँ पे लगता हो कि नहीं मेरे को अकेला रहना, या कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं बाहर नहीं जा पा रही, वो सारी चीज़ें, या अभी तक तो ऐसा वो मोमेंट्स अभी लाइफ अच्छा में हमारे आए नहीं है कि हम इतने ज़्यादा, तो अभी मतलब अभी फेम एंजॉय कर रहे हैं, अभी वो एंजॉय कर रहे हैं, अभी कोई ऐसा ऐसी दिक्कत नहीं आई कि ओ गॉड ऐसा नहीं है, कभी नहीं लगा अभी तक, तो नहीं लगा अभी तक, तो अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है. कुछ लाइफ चेंज हुई लोगों का नजरिया, मतलब जो जानने वाले थे? Of course, a lot, literally a lot. I remember, Jessica के बाद इतने सारे लोगों के मेरे पास टेक्स्ट आए जो शायद लाइक लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, लॉन्ग लॉस्ट, मुझे याद भी नहीं होगा कि ये भी था, वो मेरे DMs में मुझे दिख रहे हैं, ओह गॉड ये भी है, ये भी था, एंड देर अप्रिशिएटिंग मी. ऑफ कोर्स वो देख रहे हैं कि ये शी इज़ डूइंग वॉट शी ऑलवेज. एक्चुअली आई रिमेंबर जब मैं अलीगढ़ में थी, सो आई यूज़ टू से इट कि यार मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, बट मैं कन्फ्यूज थी, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग ही परस्यू करूँगी. आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन मैनी ऑप्शंस कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर लूँगी, शायद मास कम्युनिकेशन करके एंकर बन जाऊँगी, ये सारे ऑप्शंस थे मेरे पास लाइंड अप. बट कभी भी कुछ होता था जैसे यू नो यूजुअली टीचर पूछ लेते हैं कि क्या बनना है, तो एक्टर बोल देती थी एक्टर, तो ना लोग ऐसे देखते थे मुझे, ओह एक्टर बनना है, ये एक्टर बनेगी, इनको एक्टर बनना है. थी मोटी सी थी मैं, आई रिमेम्बर आई वाज लाइक 70 kg. अच्छा या आई वाज सो फैट, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा. हां मोटी सी थुलथुल सी, तो सब ना जज करते थे ये क्या एक्टर बनेगी, यू नो जब आप सोचते हैं आपको एक्टर बनना है, तो लोगों को लगता है हीरोइन टाइप, आपको क्या लगता है मैं हीरोइन हूँ, वो वाला आपको याद आता है ना, तो वो नहीं सोचते थे. तो अब वही लोग जब बोलते हैं ना मेघना यार यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, आई मीन यू आर डूइंग फैंटास्टिक, तो वो लगता है कि ओके कुछ करा है लाइफ में, अच्छा करा है, कर रही हूँ. सो हाँ नेगेटिव पहले शायद लगता था कि यार मोटी हूँ ये है वो है, बट अभी ना लाइफ अच्छी चल रही है, अभी कुछ नेगेटिव थॉट नहीं चल रहा है, या टच वुड नेगेटिव नहीं चल रहा है, या कुछ नहीं चल रहा, बस चल रहा है. आई हैव अ गुड फ्रेंड, आई हैव अ गुड टीम टू वर्क इन, एंड अ गुड प्लेस टू लिव इन, गुड फूड, टाइम टू टाइम ट्रैवल भी हो जाता है, सो सब सॉर्टेड है. मॉम डैड भी अब ओके हैं, धीरे धीरे ओके हो रहे हैं. क्या क्या रिएक्शन था मॉम डैड का, वो तो ओह गॉड क्या था जब पहले मतलब वीडियो पहले आउट होने से पहले बताया था या सीधा कि देखो? नहीं बताया था, पूछा था. अच्छा उनको बोला था कि ऐसे ऐसे है एंड आई एम डूइंग इट, ये लीड रोल है एंड मुझे लगता है मुझे करना चाहिए. तो मम्मा पापा से कभी इतना ऐसे बात नहीं किया कि एक एक टॉपिक उनको बताऊं कि ये रोल करने जा रही हूँ, बट मम्मी से हर बात हो जाती है कि आज ये करा, आज ये करा, अब ये रोल करने जा रही हूँ, ये तो उनसे हो जाती थी बातें. तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे रोल है कर लूँ, तो मम्मा कहती हैं कि तुम्हें सही लग रहा है, का मुझे तो सही लग रहा है, आप बताओ क्या करूँ. तो उन्होंने बोला कर लो तुम्हें सही लग रहा है. तो फिर होली का टाइम था, होली के टाइम पे घर गई, सो शी वाज लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड.
मुझे नहीं पता था आप ऐसा कुछ करोगे. मम्मा पूछा था मैंने आपसे, आपने बोला कि मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा. मम्मा चिल आउट यार, एक्टर हो जाता है. एंड शी वॉज नॉट दैट सपोर्टिव दैट टाइम, बट अभी शी इज़ वेरी सपोर्टिव. अभी यू नो अभी पेरेंट्स ना ढल रहे हैं उसमें कि इसको एक्टर बनना है. कभी लाइफ में, लाइफ कह रही हूँ, कभी फैमिली में किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे एक्टर बनना है. सब इंजीनियर डॉक्टर यही है. तो आई एम अ चाइल्ड जो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है अपनी पूरी फैमिली से. तो उनको भी फैमिली भी हैंडल करनी होती है. तो अभी थोड़ा ऐसा सा ही चल रहा है. ये क्या कर दिया कुड़ी ने? वो वैसा ही चल रहा है. बट अभी दे आर वेरी चिल, दे आर वेरी सपोर्टिव. अभी है बट फाइन. अभी होने लगे हैं ये. हाँ. पहले थे, मतलब कि जब फर्स्ट आउट हुआ. हाँ. तो डिसअपॉइंटमेंट हुई. तो सेकंड के टाइम तक थी वो सेकंड में ऐसे कुछ था मतलब ऐसे. हाँ, मतलब वो भी बात सही है. बट मतलब पॉइंट ये है कि जब मेरे को ऐसा फील होता है कि जब पेरेंट्स की तरफ से हल्की सी भी नेगेटिविटी. हाँ. आती है ना, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है. पूरी दुनिया सामने खड़ी हो. जो मतलब अगर मेरे सारे रिश्तेदार भी बोले ना कि गलत जा रहा है, ये गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता. I agree. और पेरेंट्स बस ये बोले ना ठीक है कर ले, बट सपोर्ट नहीं दे रहे. हाँ. वो चीज मेरे को बिल्कुल खराब कर देगी कि नहीं. Yeah. क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिमाग में होती है. तो वो चीज आई थी तो कैसे कब ओवरकम की, क्योंकि इससे मैं बहुत जूझता हूँ. क्योंकि पेरेंट्स तो ठीक है, बट जस्ट जैसे सोसाइटी का प्रेशर आता है, रिश्तेदार ये क्या कर रहा है, इसको ये करना चाहिए, इसको कॉलेज करना चाहिए, तब तक भी सही है. वो मम्मी ना उनसे लड़ लेगी. नहीं नहीं, वो जो कर रहा है उसको पता है. फिर आके मेरे को कि तू सही कर रहा है, तेरे को कॉन्फिडेंस है. अब वो चीज मेरे को इफेक्ट होती है. तो उससे कैसे ओवरकम किया? ओके, अगर ओके मैं होली का ही वो बताऊंगी. तो होली पे मैं गई वहाँ पे. मम्मा वाज नॉट दैट हैप्पी एंड एक्चुअली बहुत ज्यादा शी वाज लाइक मेघा ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना था तुमको, ये नहीं करना चाहिए था. मम्मा ये मेरा काम है, अभी आप यू नो इसे काम की तरह देखोगे ना तो आपको गलत नहीं लगेगा. एंड शी वाज लाइक चलो ठीक है ओके. बट आई रिमेम्बर जब यहाँ आई मैं, उसके बाद कॉल्स पे जस्ट बी केयरफुल, अभी ऐसा कुछ नहीं करना, बी केयरफुल, अच्छा रोल करना है मेघा, ये करना है. हाँ, यही चीज़ पर बात कर रहा हूँ. बी केयरफुल व्हाट यू चूज, ये वो. तो कभी कभी ऐसा लगता है उनसे लड़ाई भी हो जाती है कभी कभार. मम्मा लेट मी डू, मैं कर रही हूँ, आई नो वॉट टू डू. तो हो जाता है, बहस हो जाती है, थोड़ा रोना भी हो जाता है. बट पता है आपको, relatable. पता है मैं आपको बहुत एक बहुत ही सच्चाई बताती हूँ. पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है ना जिनके आगे आपको शायद कभी माफ़ी नहीं मांगनी होगी. वो आपको ऑलरेडी माफ़ कर चुके होंगे. कभी आपको ना कुछ बोलना नहीं होगा, वो ऑलरेडी दे नो इट कि ये मेरा बच्चा चाहता है, ये उसे चाहिए, वो ओके हो जाते हैं. सोसाइटी कुछ भी कहे, वो एक बार आपको बोलेंगे. बट अगर आपने बोल दिया नहीं माँ ये करना है, नहीं पा, इसमें खुशी मिलती है, वो अपनी खुशी सैक्रिफाइस करके दे विल बी लाइक ओके लेट इट बी, यू गो फॉर इट, यू डू इट. सो मेरे पेरेंट्स आई एम वेरी ब्लेस्ड, दे आर सपोर्टिंग मी. एंड अभी उनको कोई शिकायत नहीं है, दे आर ओके विद इट. एंड अभी वो बोल रहे हैं ठीक है, गो फॉर इट, जाओ, अच्छा लग रहा है, अच्छा करो. अभी कोई दिक्कत नहीं है. सो अभी सब सॉर्टेड है. सो जैसिका जैसिका नेक्स्ट वीडियो हो गई. हाँ. क्या सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि आपको देखना है वीडियो. बहुत वेट कर रहे हैं हम सारे. हाँ. बहुत ज्यादा क्रेजी बना दिया इस बार तो तुम लोगों ने. बहुत अच्छा करा. सो मैं तो हर बार मतलब अब थोड़ी सी चीज मैं बोल नहीं सकता क्योंकि कंपैरिजन वगैरह थोड़ा सा हो जाएगा. बट मैं तो सुपर फैन हूँ यूट्यूब लाइन में. अगर मैं इस जॉनर में देखूँ तो स्टार्टिंग सर्च बनने वाला बायस टाइप में कि नहीं भाई इसकी वीडियो तुम देखो. ये बंदा स्क्रिप्ट पे मेहनत कर रहा है, ये बंदा अच्छा. एक ना होती है कि तुम या तो तुम जैसे जो चीज मेरे को लगती है कि इस लेवल पे आके तुम लोग यहाँ पे आके अटकते हो जहाँ पे कि स्टार्टिंग में तो सबने मास्क का काम किया कि भाई बहन वाली वीडियोस बनाई, ये सारी चीजें करी. उसके बाद तुम आके कि यार मेरे को कुछ अलग करना, बट तुम्हारी ऑडियंस नहीं प्रिपेयर्ड. अब यहाँ पे ये बंदा मास्क के लिए भी काम कर रहा है और अपने दिल के लिए भी काम कर रहा है. ये चीज जो मेरे को दिखती है ना, ये फील होती है कि यार नहीं, इसने मास ऑडियंस को सोच के बनाया कि नहीं मास ऑडियंस चाहिए वरना लोग देखेंगे नहीं तो रेलेवेंट नहीं रहेगा और फिर चीजें खराब होने लगेंगी. वो भी नहीं चाहिए किसी को. सो वो चीज जब मैंने देखी ना तो इसलिए मैं सबसे ज्यादा अमेज रहता हूँ कि भाई इस बंदे ने फिर नेक्स्ट लेवल कुछ कर दिया, फिर नेक्स्ट लेवल कुछ कर दिया, फिर नेक्स्ट लेवल कुछ कर दिया. और लंबी वीडियोस बढ़िया जा रही हैं, सब कुछ बहुत सही है. पता है हमारे ना दिल में हमेशा, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमेशा ना एक
हर किसी इंसान पे बैक एंड पे ये रहता है, दिल में ना एक वो रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं, पता नहीं ये होगा, ये करना चाहिए, अभी तक कॉमेडी कंटेंट बना रहे हैं, अभी अचानक से ऐसे चेंज करेंगे, पता नहीं एक्सेप्ट होगा या नहीं। बट मुझे लगता है ना कि कभी रिस्क नहीं लेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ में क्या अच्छा और क्या बुरा। तो हाँ, हमें बहुत क्वेश्चंस रहते हैं हमें कि मास्क के लिए करे या ना करे, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, बट टीम इतनी बढ़िया है ना, होगा करो, नहीं होगा अगला होगा, ये नहीं होगा तो अगला होगा, ये अगला भी नहीं होगा उसके अगला होगा, होगा जरूर होगा, किसी दिन जरूर होगा। तो वो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना हर किसी बंदे, चाहे वो अनमोल हो, चाहे वो शिवम हो, मोहित हो, हर्ष हो, पूरव हो, आकृति, मैं, हम सब होते हैं, नहीं करके देखते हैं, करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या। और आप देख लीजिए आउटपुट, देख लीजिए जैसिका कितना अमेजिंग प्रोजेक्ट, कितना क्रेजी प्रोजेक्ट है, और इतना क्रेजी प्रोजेक्ट हमने लाइक बियॉन्ड क्रेजी प्रोजेक्ट। क्या प्रोसेस रहता है ऐसे क्रेजीनेस का, कैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह, मतलब क्या कैसे करते पूरा प्रोसेस? ओके, मैं तो इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। अच्छा, क्वेश्चन वो आप डायरेक्ट से पूछिए। हाँ, मैं भी यही सोचा था, एक क्वेश्चन उनके लिए। हाँ, आपको भी बैठ जाना चाहिए था। मैं तो कहा ना, आप दोनों का ले लो एक साथ, बहुत अमेजिंग ही हो जाता। कोई नहीं, हम नेक्स्ट उनका भी सोच रहे हैं। जरूर जरूर जरूर, बहुत स्टोरीज है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग। होता है लाइक, मतलब लाइक ये लोग बहुत मूवीज देखते हैं, आकृति को तो मैंने देखा है, ये हो गया यार अगली मूवी बता दे, भाई यार कुछ अच्छा बता दे यार, प्लीज यार मुझे कुछ क्रेजी दिखा दे, मुझे कुछ ऐसा दिखा दे जिससे मेरा माइंड ब्लो हो जाए। शिवम को देख लो, अमेजिंग, कुछ ना कुछ देखना है। हर्ष को देख लो, ये कुछ मेघना, ये वाला प्रोजेक्ट देखना ही अच्छा है। आकृति को सजेस्ट करते रहते हैं कि ये तू देखना, तेरे को अच्छा लगेगा। उसको थ्रिलर बहुत पसंद है, थ्रिलर हॉरर, तो वो हमेशा पोक करती रहती थी, प्लीज हर्ष कुछ ऐसा बनाते हैं ना, हर्ष कुछ, उनके भी माइंड में हमेशा से था, वो भी पोक करती रहती थी, तो इस बार बना ही दिया। नाइस, क्रेजी चल गया, क्रेडिट्स टू यू। सो बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया ना, कोई सवाल है मेरे लिए? कुछ भी आ रहा हो दिमाग में? और अभी तक कैसा लगा? अभी मजा आ रहा है मेरे साथ बात करके? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तो पूरी रात कर सकता हूँ। सो अभी हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, आई गेस सो। कुछ रह गया आपकी जिंदगी में? कुछ ऐसी क्रेजी स्टोरी बताओ कि शूट के टाइम पे कुछ हुई हो, मतलब कि कुछ भी क्रेजी जो दिमाग में आ रहा हो। क्रेजी जो दिमाग में आ रहा है, वैसे तो डेली होता रहता क्रेजी। ओके, अभी रिसेंटली क्रेजी का तो नहीं पता, बट फक अप्स बहुत होते हैं हमारे। हाँ, वही एक तरीके से, यू नो, फक अप्स, इतने फक अप्स होते हैं। अभी रिसेंटली हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी उसके बारे में कुछ रिवील नहीं करूँगी क्योंकि वो कुछ भी रिवील नहीं हुआ। सो रैंडम वीडियो है, अरे यार उसके बारे में कुछ बता भी तो नहीं सकती मैं, चलो ओके। सो हम वो शूट कर रहे थे प्रोजेक्ट, मैं नाम नहीं लूँगी उस प्रोजेक्ट का, ओके। सो प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, या प्रोजेक्ट एक्स हम शूट कर रहे थे, तो क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। तो वो प्रोजेक्ट लाइक लिटरली हम 7 दिन से शूट कर रहे थे लगातार, और हमारा एकदम बीच पे आगे से लॉकडाउन हो गया कि अब अगले दिन पता चल रहा है कि 2 दिन बाद से लॉकडाउन है। अब वो प्रोजेक्ट हमारा तब से अटका हुआ है, अब वो प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे लाइक अगस्त या कभी बाद जब लॉकडाउन वाला सीन शॉर्ट होगा। या एग्जैक्टली, तो ऐसे फकअप्स लिटरली बहुत होते रहते हैं। कभी एक्टर का, अब एक्टर बिल्कुल खड़े पैर से हो जाते हैं कि ये एक्टर नहीं आ सकता, किसी और एक्टर को आपको कास्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव लाइक कि फक, अब क्या करें, अब क्या करना है। अभी कभी कभी हो जाता है, मेरे से तो इतनी गलतियाँ होती हैं एक्चुअली, आई मैनेज प्रॉप्स एंड मोहित और मैं प्रोडक्शन मैनेज करते हैं साथ में, जाना आपने देखा होगा उनके ब्लॉग्स में, प्रोडक्शन का सामान लेने जाना, तो वो उनको मैं लिस्ट दे देती हूँ और फिर उसके बाद मुझे मैनेज करना होता है, और फिर वो सेट पर बहुत कुछ होता है उनके हैंड में, मुझे प्रॉप्स मैनेज करने होते हैं। इतनी बार ऐसे मैं फक अप करती हूँ, ये प्रॉप लाना भूल गई, शिट अब क्या करूँ। तो पूरा ये होते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ये तो होती ही रहती है। नाइस, सो अभी जस्ट एक क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या पूछ रहा था मैं, कोई नहीं याद कर।
पर्सनल लाइफ पे आते हैं. ये सेक्शन तो रह गया हमारा. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, लेस्बियन तो नहीं है, बता चुके हैं. तो बॉयफ्रेंड नो, अभी तो नहीं. क्यों? अभी कभी अभी ऐसे कोई कनेक्शन बैठा नहीं कभी किसी से. पहले था? नहीं. मार डाली. ओके. नहीं यार, रिलेशनशिप्स तो सबके रहते हैं, किसके नहीं रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ढूंढ देना. सबके रहते हैं. मेरा भी ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट या जस्ट फ्रेंड. आंटी ले जस्ट फ्रेंड. तो ऐसे कुछ रिलेशनशिप अभी तक तो नहीं. अभी वो कुछ अटैचमेंट वाइब अभी तक किसी से फील नहीं हुआ. अभी वो एक्टिंग एक्टिंग से ही जा रहा है. या एग्जैक्टली. अभी वही चल रहा है. अभी पता है, सच बताऊँ ना, इतना वक्त ही नहीं मिलता कि इस बारे में भी सोचूं. अभी इतना इस इन्हीं सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं ना. ऑफिस जाना है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इस पे काम करना है, जिम चले जाना. अभी तो खैर जिम बंद है, तो जिम जाना ही ना. तो एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो? कि मतलब यार वो लेवल तक आना, जैसे कुछ होंगे एक्टर जो बहुत फेवरेट होंगे. अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैं ना मैं इतनी बिहाइंड द कैमरा मैंने इतना काम किया कि मैं कहीं भूल गई थी कि मैं बिल्कुल खो गई थी. मैं भूल चुकी थी कि मुझे एक्टर बनना है. मुझे वो अच्छा लगता था कि ये करना है, वो मुझे उस कैमरे के सामने जाना है, पीछे नहीं रहना. तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक थोड़ा डीमोटिवेट हो रहने लगी थी. थोड़ा लाइट का इशू नहीं, नहीं वो मैं उसको कह रहा था क्रॉस चेक. सो काफ़ी ना काफ़ी बार ऐसे हो जाता था कि यार पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बट अभी लास्ट की ये तीन वीडियोस में मैंने काम किया, तो यू नो वो कॉन्फिडेंस लेवल फिर से बिल्डअप होना शुरू हो गया कि ओके अभी कर सकती हूँ. अभी अच्छा मतलब प्रोसेस लंबा हुआ तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, काफी डाउन. हाँ, ये मेरे साथ भी होता है. अगर मैं पॉडकास्ट रेगुलर ना लूँ ना, तो एक जब नेक्स्ट वाला आने वाला नर्वसनेस हो जाती है. तो वो ही होता था मेरे साथ. तो मैं ऐसे हो जाती थी कि यार ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये डायलॉग मैं ऐसे बोल पाऊंगी या मैं फ्लुएंट हो पाऊंगी इतना कि मैं ऐसे पेस में. अभी मैं ना लिटरली बता रही हूँ, पूरव को देखती हूँ, मोहित को देखती हूँ, पूरव तो हर्ष को देखती हूँ. यार ये क्रेजी लेवल है बंदा. मुझे बहुत हेल्प आउट करता है. बहुत सही है. बहुत बहुत अच्छा एक्टर है वो. तो उन लोगों को देखती हूँ ना, तो वो बहुत हेल्प आउट करते हैं. अभी उन अभी मेरे ये वाले वीडियो के फर्स्ट वीडियो जो मैंने लीड किया था, उसके बाद उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि ऐसे करना है ये सारी चीज़ें. तो एक्टिंग के लिए मैं क्या करती हूँ ना, लाइक कुछ उठा लेती हूँ कि ओके ये दीपिका का डायलॉग है, ये वाला उठा लेते हैं, ये करीना का डायलॉग है, ये उठा लेते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं. अभी ना मैं फ्रेंड्स का बड़ा वो है कि ये फ्रेंड्स अभी ना बहुत, अभी मैंने लास्ट ईयर देखा मैंने लॉकडाउन में, तो उसमें एक कैरेक्टर है रेचल. सो आई एम लाइक सो ऑब्सेस्ड विद दैट कैरेक्टर. आई एम लाइक I want to walk like her, I want to talk like her, I want to look like her. तो बिल्कुल वैसे हो गया है. तो वो सारी चीज़ें ना, मूवीज़ देखना लिटरली बहुत, जितनी मूवीज़ हो सके वो देखो, मोनोलॉग्स बनाओ, मोनोलॉग्स प्रैक्टिस करो, गाने प्रैक्टिस करो. लिटरली आपका वोकैबुलिटी बहुत स्ट्रांग होगा, आपका डिक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, द वे यू स्पीक आप बहुत क्लियर आएगा, अटकोगे नहीं बोलने में. मैं जब मेरा ना ये थेरेपी सेशन होता है घर पे जाके शुरू होता है, आई एम गोइंग होम, तो वो मेरा जो थेरेपी सेशन होता है ना, सुबह उठना, वॉकिंग पे जाना, योगा करना, उसके बाद तेज़ गाने चला के गाना, ताकि यू नो हिंदी भी सुधरे, इंग्लिश भी सुधरे. हर एक आप ना एक एक्टर को देखते हो, हर एक लफ्ज़ जो वो बोलते हैं वो कितना क्लियर होता है, एक एक चीज़ इतनी क्लियर होती है. तो वो सीखना, तो दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस. कैमरा खोल के कुछ भी एक्ट करना जो समझ आए, अकेले में मिरर के सामने परफॉर्म करना, घर पे इट्स जस्ट अमेजिंग. घर पे आई डू इट. यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, बट घर पे बहुत लाइक दैट इज समथिंग दैट आई लव टू डू मुझे. हाँ अलीगढ़ में. सो लाइक मिरर के सामने बस प्रैक्टिस करते रहो, बुक्स पढ़ो, बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको. और आपको बुक्स या लाइक कैसे लाइक अभी मैं लाइक बुक्स कैसे लाइक वो आपको हेल्प करेगा डिक्शन में, वोकैब आपके अच्छी करेगा. तो उसके लिए आई थिंक इट इज अ गुड वे टू स्टार्ट समथिंग.
सो आई वाज सेइंग समथिंग, भूल गई मैं क्या. ओके या आई रिमेम्बर. पता है आपको एक अच्छा एक्टर कैसे बनाता है? आपकी सराउंडिंग्स, हाउ यू ऑब्जर्व थिंग्स, हाउ यू टैकल सम, लाइक अगर मैं किसी इमोशन ब्रेकडाउन से अभी आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, सो हाउ यू हैंडल इट, वो पेन आप कैसे अपने आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बहुत हेल्प करता है. लाइक वो पेन को फील करो, उसको गो, लाइक लेट गो मत करो, वो इमोशन फील करो. हाँ, खुल के रहो, मुझे ये इमोशन फील करना है. तो मैं जब एक्चुअली रोई थी तो वो उस टाइम में क्या फील कर रही थी, वो फीलिंग क्या थी, सो मैं एक्चुअली वो फील करके आई डू इट, मैं उसको कन्वर्ट कर लेती हूँ कि अभी मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो कि ऐसे मैं रिएक्ट करूंगी, मेरे हाथ ऐसे चलेंगे, वो ना मेमोराइज हो जाता है शायद, पता नहीं हो जाता है मेरे साथ, हो रहता है, हाँ. वो होता है. तो मेरे लिए ये मेरे सराउंडिंग बहुत हेल्प करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते रहो, चीज़ें पता चलेंगी, बहुत अपने आप को ही ऑब्जर्व करो. आपको पता है काफ़ी टाइम आपको ही नहीं पता होता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे किसी सिचुएशन में, तो आप कैसे समझोगे कोई कैरेक्टर क्या डिमांड कर रहा है. तो अपने आप को भी ऑब्जर्व करते रहो कि ओके मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा इसमें, मैं ऐसे, काफी चीजें पता चलती. अगर कैरेक्टर दिया जाता है, हाँ. तो उसको मतलब एक कैरेक्टर बता दी और उसकी डिमांड्स बता दी, हाँ. कि इसको या तो इसको फनी होना, हाँ. इसको डेस्परेट होना, हाँ. जो जो भी होता, हाँ. होगा वो सारा होना, हाँ. अब उसको मोल्ड तुम लोगों को करना, जो एक्टर्स, हाँ. हैं उनको, हाँ. करना, हाँ. तो उसके पीछे क्या प्रोसेस रखते हो कि जो यही सारा पता है वो, हाँ. बट उसके अंदर कैसे वो जान डालते हो, क्योंकि एक मैं ड्रॉइंग बनाता हूँ तो उनको पता है कि एक खाली पेपर है, इमेजिन कर लिया कि ये बनाना और उसके ऊपर फिर मैं लग जाता हूँ, सो वो क्या प्रोसेस रहता है कि कैसे दिमाग में उस कैरेक्टर को बनाना स्टार्ट करते हो? ओके, तो अभी ना हम सच बता रही हूँ, अभी मेरे पास इतने चैलेंजिंग कैरेक्टर्स अभी तक आए नहीं हैं, okay. तो मैंने उन पे ऐसे वर्क नहीं किया, बट मैंने थिएटर में सीखा है, mm-hmm. ये सारी चीज़ें थिएटर में हमें कराते हैं. तो हमें पता एक एक्सरसाइज करवाते थे जिसमें एक सर्कल बना लेते थे और रैंडमली आप आओ, कोई भी कैरेक्टर जो आपकी, कुछ भी जो आपने शायद कभी इमेजिन किया हो, वो देखा हो आपने सबकॉन्शियसली आपके हो, वो आओ और कुछ भी परफॉर्म करो, लाइक कुछ भी जो भी समझ आए. तो हम जाते थे जैसे कैसे भी स्टोरी शुरू कर रहे हैं, एक मैं एंटर हो गई फ्रेम में, माता आज मेरा इंटरव्यू है, प्लीज़ बस ये इंटरव्यू क्लियर करा देना. अभी किसी भी रैंडम बंदे को बोल देंगे कि आओ इस स्टोरी को कंटिन्यू करो, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करी है मुझे. मैंने ये थिएटर में बहुत सीखा है. अब वो रैंडम बंदा कुछ भी शुरू कर देगा, अब आपको उससे कनेक्ट करना है. तो ये लाइक एक्टिव, आप कितने एक्टिव हो, अब वो शुरू करना है कि उसने क्या बोला है, अब उससे आप स्टोरी कनेक्ट करते जाओ. बाकी जैसे आपने कहा कि खाली पेज दे दिया, आपको उसे भरना है, तो वो तो आपकी इमेजिनेशन है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो. आपने शायद कभी कुछ देखा होगा, तभी तो आपको क्या पता आसमान नीला है, नहीं पता, तो आप वो नीला नीला पेंट कर रहे हो बिकॉज वो आपकी इमेजिनेशन में, कभी सबकॉन्शियसली आपने नोटिस किया है, ये देखा है. तो वही हम जब किसी कैरेक्टर को, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई लंगड़ा कैरेक्टर उठाना है, तो वो मूवीज़ देखेंगे शायद, कब कहीं जाके किसी लंगड़े इंसान के पास जाएंगे, उसको देखेंगे कि वो कैसे चीज़ें कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ वी डू थिंग्स. अभी तक तो खैर मेरे पास लुक्स इतना पैशनेट एक्टिंग की बात करते हो ना पूरे पॉडकास्ट में, सिंपल से करना चाहिए, से करना चाहिए. जिनको काम करना होगा एक्टिंग लाइन में जाना, और स्पेशली हर्ष बेनीवाल के साथ काम, क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब क्या करना चाहिए उनको? पहले तो सबसे पहले ये सारी चीजें एक्टिंग सीखनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बट क्या रीच आउट करने का कोई तरीका है? हाँ, मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे ईमेल आईडी है. हर्ष तक लाइक जो भी चीज़ें होती है मैं फिर पहुँचाती हूँ. okay. तो आप उस ईमेल पे क्लिक करिए, अपने वीडियोस भेजिए, एंड जो भी होगा हम लाइक वो देखेंगे. और क्या देखते हो, मेन चीज़ है कि फिर तो बहुत सारे लोग भेजेंगे, हाँ. किन लोग फिल्टर कैसे करते हो, मेन प्रोसेस वो है? पता है फिल्टर डिपेंड करता है कि हमें क्या कैरेक्टर चाहिए, उस टाइम पे हमारी क्या डिमांड है, किस कैरेक्टर की डिमांड है. अभी फॉर एग्जांपल हमें कोई लाइक बियर्डिश गाय चाहिए, थोड़ा ओल्ड गाय चाहिए, तो वो उस टाइम पे
कैरेक्टर डिमांड बट कुछ उस इंसान के अंदर वो होने चाहिए, कुछ ट्रेड्स होने चाहिए. सपोज जैसे अब एक बियर्ड वाला इंसान तो आ गया बट उसको एक्टिंग नहीं आ रही कैमरा के आगे, तो मैं वो चीज बेसिक चीज पूछ रहा हूँ जो होनी चाहिए. यू नो अब देखो ये सबसे ज़्यादा बड़ी लाइक बिगेस्ट ट्रेट तो यही है ना कि उसे एक्टिंग आनी चाहिए, बिना एक्टिंग के तो कैसे ही सेलेक्ट होगा. तो बाकी पॉलिश हम कर देंगे, पॉलिश हम चीज़ें बता देंगे. अगर उसमें कैलिबर होगा, उसमें टैलेंट होगा, देन वाई नॉट, माई नॉट, यू आर सो वेलकम. कभी कुछ ऐसा आई रिमेम्बर हर एक वीडियो से पहले कुछ ऑडिशन होता है हमारा आज भी, ये कैरेक्टर ये प्ले कर पाएगा नहीं. आज भी एक कैरेक्टर को प्ले करने से पहले सब पूरा ऑडिशन देते हैं कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, चाहे वो पूरब क्यों ना हो. ओके, एवरीवन वो देखते हैं कि ये है, ही इज़ वेरी फेयर एनाफ इन दिस, कि ये है तभी कर पाएगा, नहीं है तो ओके. बिकॉज यू ओनली सेड, बिकॉज वो एक सिंगल पर्टिकुलर बंदा नहीं होता जो खराब करता है, इज़ द होल प्रोजेक्ट. क्योंकि हम वो सिंगल बंदे के बारे में नहीं सोचेंगे, हम पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे. क्योंकि हमें ये नहीं सोचना, अब जैसिका में हमें ये सोचना था कि वो पूरा प्रोजेक्ट हु किल जैसिका कैसा बन के आएगा, तो हमें एक एक चीज़ उसके अकॉर्डिंगली प्लान करनी होती है. तो एवरीबडी यू नो उसको उस स्टेप से गुजरना ही पड़ता है, वो हम सब. तो अगर उस कैरेक्टर की जरूरत होगी तो वो ऑडिशन देगा, अच्छा लगेगा, सेट होगा, देन व्हाई नॉट, बिल्कुल जाएगा. वे और क्वेश्चन नहीं आ रहा. सो थैंक यू सो मच, बहुत सारी इनसाइटफुल चीजें बताई और बहुत ज्यादा अच्छी चीजें बताई. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारे टीम मेंबर से आया है कि डे क्वेश्चन या डे पर्सन या नाइट पर्सन. ओके, सो आई ट्राई टू बी अ डे पर्सन, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपना स्केड्यूल मैनेज कर लूँ, टाइम से उठ जाऊँ, टाइम से जिम चले जाऊँ, टाइम से सब कुछ कर लूँ. बट आई हैव अ फ्रेंड नेम आकृति, जिसने मेरा जीना खराब कर रखा है. एक पॉडकास्ट सोच रहा हूँ आप दोनों के साथ. जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, उसने मुझे नाइट पर्सन बना दिया है. ओके, लोग कहेंगे पॉडकास्ट स्टार्ट होते होते आकृति आकृति आकृति, लास्ट में आते आते जिंदगी खराब कर दी उस लड़की ने मेरी. आई एम अ डे पर्सन जिसको कन्वर्ट कर दिया एक नाइट पर्सन में, एक फूडी पर्सन में, एक ट्रैवलर में. सो हम डेस्परेटली आकृति से मिलना चाहेंगे. मैं भी चाहूंगी उसके साथ एक आप एपिसोड बनाओ मेरे साथ और उसके साथ. आप आ जाओ इलाहाबाद से, फिर प्लान आउट करते हैं अलीगढ़. ज़्यादा भाई मैच हुई. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच एडॉन टॉक्स में हमें बुलाने के लिए अपने घर पे. ओके, ठीक है, थैंक यू. इट वाज सो फन टॉकिंग टू यू. अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट में मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, ये मैं भूल गया, फैन स्टक. सो लास्ट में सवाल यही रहता कि अभी जस्ट हमने भी स्टार्ट किया पॉडकास्ट वगैरह ना, तो हाउ वाज आई एज अ होस्ट? यू वर अमेजिंग, आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया, मुझे लग ही नहीं रहा था मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू पॉडकास्ट, ये फर्स्ट एवर, मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की, कैमराज लगे हैं ना, सो पहले एक्सपीरियंस अच्छा हुआ. या इट वाज अमेजिंग, थैंक गॉड, या यू वर अमेजिंग, ओके. आई होप मैं भी अच्छी रही आपके साथ. बहुत मजा आया, खाना भी अच्छा था, जो भी आपने खाया उसने बताया था, मेरे को अच्छा है, खा ले, खा के जाइए सारा. एनीवेज, थैंक यू. ओके, थैंक यू.